हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम है ध्रुव वार्ष्णेय। ने आज हम पिछले वीडियो का ही अगला पार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज 9.3 चैप्टर 9 क्लास 11 क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, बिना किसी समझ तो गए होगे आप लोग, सिक्स क्वेश्चन। ओके, वह लिख लेता हूँ, पिछले बार लिखा नहीं था एडी, एक्सरसाइज 9.3। ओके, इसमें भी हम ट्राई करेंगे जितना से शॉर्ट हो जाए उतनी देर रखेंगे, अगले टॉपिक में आगे कवर करेंगे। सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, एक्स की वैल्यू बतानी है जिससे ये जीपी में हो, माइनस क्या है 7/2। अगर ये जीपी में है तो सिंपल आप या तो ये लगा दीजिए कि ये इस दिस एक्स अपॉन, अगर हम दो तरीके हैं इसको करने के, मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से, या तो दो तरीके हैं, या तो अगर आपने ज्योमेट्रिक मीन वाला पढ़ा होगा तो इन दोनों का जो होगा, जो ये ज्योमेट्रिक मीन होगा इन दोनों के बीच का, तो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो अंडर रूट होता है ए बी, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2/7 माइनस का इंटू माइनस 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में था तो प्लस माइनस 1, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। दूसरा तरीका ये है, आप x अपॉन दिस करें, माइनस 7/2 अपॉन x करें और उन दोनों के इक्वल करते हैं, वो लंबा पड़ेगा। सिंपल टर्म है हमारे पास, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है, उसको अप्लाई करते हैं, हम करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7-10 में हमें इंडिकेशन दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 7-10, फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग जीपीज इन एक्सरसाइजेस 7-10। ओके, सो 7th क्वेश्चन, सिंपल सेवन क्वेश्चन वी हैव गिवन। ओके ओके ओके, ए इज 0.15। अगर आपको आर निकालूं तो मैं आपको बता सकता हूं आर इज 0.1, बट अगर हम कैलकुलेट करें तो 0.015 अपॉन 0.15 इंटू 100 कर दीजिए, इंटू 1000 कर दीजिए, ये हट गया 1 से, ये 0000 सॉरी हाँ 1/10, तो ये होगा आर इज इक्वल टू 0.1। हर टर्म में 0.1 से मल्टीप्लाई होते 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 इधर कम हो रही है टर्म। अब एक रूल याद रखिएगा कि अगर टर्म इधर से इधर से इधर से कम हो रही है तो आर जो है लेस देन 1 होगा, अगर ग्रेटर हो रही है तो आर विल बी ग्रेटर देन 1, या ग्रेटर देन 1। ओके, अब हमें सम निकालना है 20 टर्म्स का, एन इज इक्वल टू 20। सम का फॉर्मूला याद कर लीजिए या लिख लीजिए कहीं पे, सम 20 या सम n जो भी होता है, सम n लिख देता हूं पहले मैं, सम n इज इक्वल टू a, अगर r दोनों केस है 1 माइनस r by n अपॉन 1 माइनस r, ये तब लीजिएगा ये वाला केस जब r इज लेस देन 1, अगर r इज ग्रेटर देन 1 तो इसको उल्टा लिख दीजिए, इसको लिख दीजिएगा rn माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ओके, इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं। नाउ अब अगर r हमारे लेस देन 1 है हमें पता है, और हमें कितने का निकालना है 20 का निकालना है ये भी हमें पता है, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, एस 20 इज इक्वल टू ए, ए 0.15, 1 था 1 माइनस 0.1 की पावर, ये 20 तक जाएगा, बहुत लंबा जाएगा, अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस 0 ये है आर, 1 माइनस 0.9 ये हो गया। अब एक बार इसको करिए, फिर उसके बाद इसको इंटू 10 कर दीजिए इसका डेसिमल हटाने के लिए, इसको इंटू 100 करिए इसका डेसिमल हटाने के लिए, 0 से 0 कटा 5, 3 दैट इज इक्वल टू 5/5 को अगर हम करें तो 2 ये हो जाएगा 1/6, 1 माइनस 0.1 टू द पावर 20। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर ये होगा 1/6, 1 माइनस 0.1 टू द पावर 20। जब इतना लंबा आ रहा है तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है आपको 20 की, क्योंकि इतना सॉल्व करते करते आपको पूरा एग्जाम टाइम इसमें ही निकल जाएगा, कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की। सीबीएसई भी आपसे ये नहीं कहता कि आप सॉल्व करिए, सिंपल इसको कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट क्वेश्चन वी हैव √7। ओके, √7 कॉमा अंडर रूट 21 कॉमा 3 अंडर रूट 7। ओके,
इसका क्या मतलब है? सबसे पहले अगर हम निकालें ए, इसका ये मतलब है क्यूब है, क्यूब तो पढ़ा ही होगा हमने, क्यूब मतलब अगर मैं लिखूं 8 3 = 2 होगा, मतलब 8 का क्यूब 2 या 2 का सॉरी 8 का अंडर रूट क्यूब 2 या 2 का क्यूब 8, तो इसका टर्म क्यूब, इसका क्यूब रूट जो होगा वो ये आएगा। अब हम अगर आर निकालें, अंडर रूट 21 अपॉन अंडर रूट 7, दैट विल गिव, एक अंडर रूट में ले लीजिए 21 बाय 7 = √3, सो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास √3, ए हमें पता है √7 है, ए इज √7, और कितनी टर्म्स का निकालना है, एन टर्म्स का निकालना है, क्वेश्चन ने नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, एन टर्म्स का निकालना है हमें, सिंपल निकाल दीजिए, सम एन = अब √3 वन से बड़ा है तो इसमें आप ऐसे ले लीजिए ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, क्या हो जाएगा ए √7, ए इज √7, आर टू द पावर √3 पावर एन माइनस वन अपॉन आर √3 माइनस वन, दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसको भी सॉल्व करने की कोई जरूरत आपको खास है नहीं, अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट इतना आपके लिए खास रहेगा, ज्यादा करने की वो नहीं है। इसको हम ये कर सकते हैं, रेशनलाइज करना चाहें तो रेशनलाइज कर सकते हैं, एग्जाम अगर आप लिख देंगे तो टीचर खुशी हो जाएगा आपसे। रेशनलाइज करने के लिए अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई, ओके ये तो नॉर्मल हो जाएगा, इसको मैं इधर लिखता हूं, ओके √7 √3 + 1 √3 एन माइनस वन और अपॉन में ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 - 1 दैट इज 2, तो आंसर इसकी ये भी हो सकता है √7 ब्रैकेट √3 + 1 एंड √3 एन माइनस वन, सो ये आप कोई सा आंसर लिख दीजिए उससे आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो टीचर आपको ज्यादा वो मानेगा कि आंसर इज गुड, आंसर सही लिखा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ भी है, क्वेश्चन नंबर नाइन, वन कॉमा माइनस ए स्क्वायर कॉमा माइनस ए क्यूब, सिंपल आर निकालिए, आपको इसमें टेस्ट नहीं करना है कि आगे का क्या, सिंपल आर निकालिए, आर इज इक्वल टू -a/1, तो माइनस ए आ गया आर, ए हो गया वन, क्या निकालना है, सम टू, वी हैव टू कैलकुलेट सम टू एन टर्म्स, सम एन इज इक्वल टू ए, ए क्या है हमारे पास 1, आर टू द पावर एन माइनस ए पावर एन -1, या इसको उल्टा लिख दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमें पता नहीं ए की वैल्यू क्या है, -10 का वो है इसमें रहेगा, ओके तो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हो जाएगा ए 1 - rn / 1 - r दैट विल बी इक्वल टू ए, क्या है हमारे पास 1, रहने दीजिए कोई जरूरत नहीं इसको लिखने की, 1 - rn, माइनस माइनस हम प्लस कर सकते हैं, -r n, बट ये इसकी वैल्यू पे 1 - a, तो ये हो गया हमारे पास 1 + rn / 1 + a, दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, rn की जगह r की जगह a रखना पड़ेगा, सॉरी दिस इज द आंसर 1 + a^n / 1 + a, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देता है x³ + x^5 - x^7 टिल n टर्म्स, ये भी इन क्वेश्चनों की तरह है, अभी हम इसको करते हैं, बट इस क्वेश्चन में एक बात आप ध्यान रखिए, इसको अगर हम 1 माइनस करके ना करें तो ही ज्यादा सही है, क्योंकि इसमें एक चीज आती है, इसको तो हम लिख सकते हैं 1 - a, इसको आप चेंज मत करिए साइन, इसको ऐसे रहने दीजिए 1 - a^n / 1 + a, दिस इज द आंसर, दिस शुड बी द आंसर, क्योंकि ओके आंसर दिस इज द आंसर, बिकॉज
अगर हम ए माइनस ए, अगर ये होता ए की वैल्यू टू आ जाए और एन की वैल्यू टू आ जाए तो ये हो जाएगा फोर, तो दिस माइनस वैल्यू कैंसिल आउट, वन माइनस फोर होगा। बट अगर ये थ्री आती है तो ये क्या होगा, माइनस एट प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू माइनस प्लस डिपेंड करता है कि क्या होगा। तो इसको इसी फॉर्म में रहने दीजिए, हम अपनी तरफ से चेंज नहीं करेंगे। अगर वो बोलते कि एन इवन है तो इसको चेंज कर सकते थे, एन ऑड है तो चेंज कर सकते थे, बट अभी हम इसको चेंज नहीं करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन। ओके, क्वेश्चन नंबर टेन सेज दैट एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स टू द पावर फाइव एक्स टू द पावर सेवन डॉट 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 टू एन टर्म्स, दिस इज द क्वेश्चन, लेट मी चेक, एन टर्म्स तक करना है। ओके, ए हमारे पास है एक्स क्यूब, आर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, कैसे आया एक्स फाइव कॉमा एक्स थ्री, इसको क्या लिख सकते हैं एक्स टू द पावर फाइव माइनस एक्स टू थ्री इज इक्वल टू एक्स टू, सिंपल। इसको आप इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए, एग्जाम में जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिए। ओके, एन टर्म्स का निकालना है, सम ऑफ एन इज इक्वल टू ए और इसको वन माइनस आर एन लिख दीजिए अपॉन वन माइनस आर, कुछ भी लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ए हमारे पास एक्स क्यूब वन माइनस आर टू द पावर एन एक्स टू एन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। और इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि एक्स एक्स क्यूब एक्स टू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ। क्वेश्चन नंबर इलेवन सेज दैट इवेलुएट समेशन समेशन इलेवन एंड के इज इक्वल टू वन टू प्लस थ्री के। ओके, समेशन ऑफ इलेवन। ओके, अब इसका ये मतलब है कि समेशन इसका ये मतलब होता है टू प्लस थ्री के, मतलब k की वैल्यू पहले वन हो। सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल से दूं तो टू प्लस थ्री की वैल्यू वन, टू प्लस थ्री की वैल्यू टू, ये कब तक हो, जब तक k की वैल्यू इलेवन ना हो। तो जैसे आप कंप्यूटर में प्रोग्राम फॉर लूप का यूज करें तो वही मतलब हुआ, फाइव होगा ये पहले, फिर क्या होगा थ्री स्क्वायर नाइन इलेवन होगा, तो ऐसा बढ़ता रहेगा, फिर क्या होगा टू प्लस थ्री क्यूब, हाँ फिर क्या होगा थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन होगा, ऐसे करते करते आगे बढ़े। अब इसमें तो एपी बन नहीं रहा, हमें दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन दो अलग अलग कर लीजिए, ये आइडेंटिटी होती है इलेवन के इज इक्वल टू वन टू प्लस समेशन ऑफ इलेवन के इज इक्वल टू वन थ्री टू द पावर के, ओके थ्री टू द पावर के। सो इनको हमने अलग अलग कर दिया, मतलब टू को इलेवन टाइम्स ऐड करें और थ्री को भी थ्री टू द पावर के को इलेवन टाइम्स ऐड करें। अब इसको अगर हम अलग अलग कर लेते हैं, वैल्यू कैलकुलेट इलेवन टाइम, टू को इलेवन टाइम्स कैलकुलेट क्या मतलब है, टू इंटू इलेवन सिंपल इक्वल टू ट्वेंटी टू, थ्री के को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों वो यहाँ देखिए, समेशन ऑफ थ्री के इलेवन के इज इक्वल टू वन से स्टार्ट हो रहा है। ये अगर हम इसको रफ में सॉल्व करें, इसको अगर हम रफ में सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा थ्री प्लस थ्री स्क्वायर प्लस थ्री क्यूब, ये ऐसे आएगा। तो हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया, ऐसे लगा सकते हैं हम इसमें, जिसमें ए इज थ्री, आर इज इक्वल टू थ्री, थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एन कब तक जाएगा 11 टाइम्स जाएगा, तो समेशन इज इक्वल टू ए थ्री आर एन थ्री टू द पावर 11 माइनस थ्री अपॉन थ्री माइनस वन दैट इज इक्वल टू, तो थ्री थ्री की पावर 11 माइनस थ्री अपॉन टू, ये तो हो गया इस टर्म का सम और ये हो गया इस टर्म का सम। अब हम इन दोनों को ऐड करना है, ये है इसको इधर ऐड करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 22 एंड इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 11 माइनस 3 अपॉन 2, दिस इज आवर आंसर। इसको अगर आप चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं इसका, और नहीं चाहें तो ऐसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 सेज दैट द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 3. द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10. यहां से थोड़े अच्छे क्वेश्चन शुरू होते हैं. फर्स्ट थ्री टर्म्स के होंगे ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर. दीज आर द फर्स्ट थ्री टर्म्स. क्या बोला क्वेश्चन में? फर्स्ट थ्री टर्म्स सम इज इक्वल्स टू 39/10. इन तीनों का सम 39/10 है एंड द प्रोडक्ट इज 1. ओके नाउ ए ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ओके वे एग्री. फाइंड द कॉमन रेशियो इन द कॉमन टर्म. क्या कर सकते हैं इसमें? ए कॉमन लीजिए. ये कॉमन लेंगे 1 प्लस आर और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10. ये होगा नहीं होगा? और इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसको अगर हम लिखें, ये तो हमारे पास आगे कर दो. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर हम इसको निकालें 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10. एंड दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं, इधर से वैल्यू निकाल दीजिए. ए क्यूब आर क्यूब इज इक्वल टू 1. हाँ ये हो गया. ए क्यूब आर क्यूब इज इक्वल टू 1. दोनों साइड का क्यूब लीजिए. ए आर इज इक्वल टू 1. क्यूब रूट लीजिए. ए इज इक्वल टू 1/r. ए इज इक्वल टू 1/r. इधर से आ गया. इधर वैल्यू रख दीजिए ए की 1/r. 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10. सॉल्व कीजिए. 10 प्लस 10 आर क्रॉस मल्टीप्लाई करा मैंने इसकी से प्लस 10 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39 आर. ओके 10 स्क्वायर इसको इधर लेके आएंगे 9 है माइनस 29 आर प्लस 10 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. दो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाइए, सॉल्व करिए इसको. सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन या श्रीधराचार्य इक्वेशन हम बोलते हैं उसे. तो श्रीधराचार्य इक्वेशन भी बोला जाता है उसे. आपको नहीं पता होगा मेरे ख्याल से उनका नाम था. क्या होता है वो? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 29 का स्क्वायर विल गिव यू अराउंड 841. माइनस 4 into a into c 10 into 100 400 अपॉन क्या होगा? 2a 20. ये होगा. अब क्या लिखें? 29 प्लस माइनस 4 841 माइनस 400 441 आएगा. 441 चलो अगले स्टेप में करते हैं इसे. 441 का स्क्वायर रूट होगा 21. 29 प्लस माइनस 21 अपॉन 20. एक बार माइनस का केस लीजिए. अगर माइनस का केस लेंगे तो हम क्या निकालने हैं? अगर माइनस का केस लेंगे तो हमारे पास आएगा 8 बाई 20 और 50 by 20 4 2 4 2 10 5 2 by 5 और 5 by 2. दिस इज द दो सॉल्यूशन आएंगे इस क्वेश्चन के. ये तो 5 by 2 होगा या 2 by 5 होगा. ये क्या है हमारे पास वैल्यू? हम आर के लिए कैलकुलेट कर रहे थे. ये कॉमन रेशियो आर. अगर आर 2/5 है और 5/2 है, ये तो R की वैल्यू होगी. अगर R 2/5 है तो A होगा 5/2. R 5/2 है तो A होगा 2/5. सो ये हमारे फर्स्ट कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? क्वेश्चन स्टिल 12th क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड. 12th क्वेश्चन था हमारा. अब अगली वीडियो में हम 13 क्वेश्चन से शुरू करेंगे. और उसके लिए आप उस देखिएगा अगले वीडियो, अगर आपको आगे का पार्ट देखना है तो. ओके थैंक यू. इस वीडियो को यहीं पे हम खत्म करते हैं. थैंक यू वेरी मच. लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपको पसंद आया हो.